मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ द स्टूडेंट, ऑल ऑफ द स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटा रोड वेवर मैनपुरी। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपको तापी प्रसार के बारे में बताया कि ये तीन प्रकार के होते हैं, दैर प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। इनके आपके समक्ष निगमन भी कराए गए। अब इनसे संबंधित न्यूमेरिकल चल रहे हैं, तो आप देखें एक लोहे की ठोस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उसके आयतन में क्रमशः 5.05 मीटर क्यूब की वृद्धि होती है। आयतन प्रसार गुणांक ज्ञात करो। तो आपको बता चुके, जो प्रारंभिक आयतन होता है उसे आप B1 से लिखोगे। प्रारंभिक आयतन B1 बराबर जो दिया गया है 5 मीटर क्यूब दिया गया, और V2 है 5.05। जब आप डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा मीन्स परिवर्तन इन दोनों का, तो वो होगा डेल्टा V बराबर V2 माइनस B1। तो डेल्टा V बराबर 5.05 माइनस 5 बराबर 0.05 मीटर क्यूब। अब जो ताप दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 कितना दिया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ताप वृद्धि निकालेंगे 100 माइनस 0 बराबर कितनी आई 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप इसको आयतन के फॉर्मूला में रखिए, आयतन प्रसार गुणांक डेल्टा V बराबर V गुणा डेल्टा T। V का जो मान है वो आपको दिया गया है 0.05, V का 5 × Δt 100, 0.20 और आ जाएंगे, 5 कट जाएगा, गामा बराबर 1×10^4 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा क्वेश्चन देखें, लोहे की छड़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लंबाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लंबाई 80 मीटर प्राप्त होती है, तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लंबाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड लंबाई 100 मीटर हो जाती है। नंबर एक रेखीय प्रसार गुणांक, दैर रेखीय प्रसार गुणांक। नंबर दो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। और नेक्स्ट नंबर है आयतन प्रसार गुणांक ज्ञात करो। तो सबसे पहले दिया हुआ वैल्यू रखेंगे, T1 बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 बराबर कितने हो गए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा T बराबर 100 माइनस 0 कितना हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, L1 बराबर है 80 मीटर, L2 बराबर दिया गया है 100 मीटर, तो डेल्टा L 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो सबसे पहला देखें,
अल्फा बराबर डेल्टा एल बटे एल गुणा डेल्टा टी, 20 बटे एल का मान है 80, डेल्टा टी 100, शून्य से शून्य कट गया तो चौकू 8, ये हुआ 1/4 × 10⁻², ये हो जाएगा 0.25, 4 × 2 ये होगा 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, रेड 2 या 10 × 10^2, रेड 3 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। एक क्वेश्चन और देखें, एक लोहे की छड़ का रेखी प्रसार गुणांक, रेखी प्रसार गुणांक 0.00001 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है तथा 0 °C पर लंबाई 100 m तथा 100 °C पर लंबाई में वृद्धि क्या होगी। देखें आंसर में, अल्फा बराबर डेल्टा एल बटे एल गुणा डेल्टा टी, 0.00011 बराबर डेल्टा एल, प्रूफ निकालना है। और ये कितना होगा आपका, एल दिया गया है 100, डेल्टा टी भी आपका हो जाएगा, जब करेंगे 100 - 0 कितना हो जाएगा, 100 °C। तो डेल्टा एल बराबर हुआ 11, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, अभी था 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक बाद दशमलव, तो ये भी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो लंबाई में जो वृद्धि आएगी 0.11 m, कितनी होगी लंबाई में वृद्धि, 0.11।